लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बेगम, बेगम लला को होश आ गया। मैं अच्छे से समझ गया, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। एक आप और भाईजान ही तो थे जिनकी वजह से इस घर में अपनापन लगता था। जानते हो कौन? जी नहीं। ये तुम्हारी बड़ी अम्मी। कौन है वो जिसने ताहा की जमानत करवाई है? मेरी जमानत भाभी जान ने करवाई है। देखो अबीर, तुम्हारी नाराजगी जायज है, लेकिन मैं क्या करता, उस वक्त मैं मजबूर था, इसलिए मैंने नजमा आपा के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया। तो इसका मतलब आप मुझे गैर समझते हैं? अबीर, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तुम्हें ये बात अपने दिमाग में लानी नहीं चाहिए। तो फिर आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? देखो उस वक्त नजमा आपा की दिमागी हालत और खराब हो गई थी, मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा। अब कौन सा सही वक्त आ गया है? देखो मैंने ताहा को नजमा आपा से सिर्फ इसीलिए मिलाया कि वो उनकी हालत देख के उनकी तरफदारी करे और अपने घर वालों को मजबूर करे ताकि उन्हें अपना हक मिल जाए। मैं भी यही चाहती हूँ। मैं खामोखा आपसे नाराज हो रही थी, मुझे माफ कर दीजिए। देखो तुम मेरी छोटी हो, मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानता। तो फिर आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ। हम रिला की मौत चाहते हैं। मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हमारे लिए ये काम तुम करोगी। तुम रिला को मौत की नींद सुलाओगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। ना चाहते हुए तुम्हें ये काम तो करना ही होगा। हमें तुम्हारा जवाब सिर्फ हाँ में चाहिए। अबीर, 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 आप कैसे आना हुआ? घर से अलग हो गई, लेकिन अभी तक तुम्हारी जलील हरकतें नहीं गई। क्या हुआ? क्या हरकत की है मैंने? ताहा की जमानत करवाने की तुम्हें क्या जरूरत थी? क्या हम लोग मर गए थे? जब मैं आपके घर में रहती थी तब भी मैं अपने फर्ज निभाती थी, और घर से अलग होने के बाद भी मुझे अपने फर्ज याद है। मैंने ताहा की जमानत करवा के कोई गलत काम नहीं किया। हमें तुम्हारी मेहरबानियों की ना तब जरूरत थी और ना अब है, क्योंकि तुम्हारी हर बात में कोई ना कोई चाल या फरेब होता है।
ये आपकी गलतफहमी है। अगर ये मेरी गलतफहमी है तो ताहा को नजमा के बारे में किसने बताया? नहीं, नहीं। मैं ताहा को नजमा अप्पा के पास लेकर गया। ताहा ने खुद अपनी आंखों से नजमा अप्पा का हाल देखा। तो आखिर तुम लोगों ने ताहा के दिल में यह जहर भर ही दिया। अब वो वक्त आ गया कि आपको वो घर छोड़कर जाना ही होगा। अब नजमा अप्पा उस घर की हकदार बनेगी, उनकी छीनी हुई खुशियां उन्हें वापस मिलेंगी। आपने उस घर में बहुत ऐशो आराम कर ली, अब नजमा अप्पा को उन ऐशो आराम की जरूरत है। वो घर मेरा है, देखती हूं उस घर से मुझे कौन बाहर निकालता है। ये तो वक्त ही बताएगा। कहना नहीं मानता तो वो गुस्से में आकर कोई भी फैसला कर सकते हैं जो शायद मेरे लिए नुकसानदेह साबित हो। मैं कितनी कोशिश क्यों ना कर लूं, बड़े अब्बू मुझे अपने मकसद में कामयाब होने कभी नहीं देंगे और मैं खामोशी इख्तियार करके जिंदगी भी गुजार नहीं सकता। क्या करूं? मुझे कोई ना कोई फैसला तो करना ही होगा, कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि मेरा मकसद भी हल हो जाए और बड़े अब्बू की बात भी रह जाए। सबसे पहले मुझे बड़े अब्बू के दिल से ये निकालना होगा कि मैं उनके खिलाफ क्योंकि आज जो हरकत मैंने की मुझ पर से बड़े अब्बू का भरोसा उठ गया होगा। मुझे किसी भी हालत में उनका भरोसा जीतना होगा, मुझे किसी भी हालत में उनका भरोसा जीतना होगा। मेरी जमानत भाभी जान ने करवाई, वो मेरी हमदर्द है। बड़े अब्बू, लगता है आप मुझसे अब तक नाराज हैं। बेटे अब तुम बड़े हो गए हो, बहुत होशियार हो गए हो, जिंदगी के अच्छे बुरे फैसले खुद करने लगे हो। अब बड़े अब्बू नाराज हो या ना हो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अरे नहीं बड़े अब्बू, ऐसा मत कहिए। मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं लेकिन आप लोगों के सामने तो बच्चा हूं ना। बड़े अब्बू, उस वक्त मैं गुस्से में था, आपकी शान के खिलाफ ना जाने मैंने क्या कुछ कह दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया बड़े अब्बू, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।
प्लीज बड़े अब्बू, एक शर्त पर। कहिए। कि अपने बड़ों का कहना मानोगे, उनके साथ कभी जुबान नहीं लड़ाओगे, अपने बड़ों की इज्जत करोगे। मैं वादा करता हूं बड़े अब्बू, प्रॉमिस। ठीक है बेटे, मैंने तुम्हें माफ किया। थैंक यू बड़े, थैंक यू वेरी मच। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, बात आगे नहीं बढ़ी, सब कुछ ठीक हो गया। मैंने आप सब लोगों की मुबारकबादी कबूल कर ली। मैंने आप सब लोगों को यहां एक साथ इसलिए बुलाया है ताकि एक बात बता सकूं कि मैंने ऐसा कोई भी जुर्म नहीं किया है जिसकी वजह से मैं अपनी नजरें आपसे छिपाऊं। मैं बेकसूर हूं। हम सब जानते हैं सर कि आप बेकसूर हैं। रीता मैडम ने आपको फंसाने के लिए ये सब ड्रामा किया है। वो गलत थी और मैं सही था, इसलिए तो मुझे रिहा कर दिया गया है। क्या अब आप उनकी इस हरकत का जवाब नहीं देंगे सर? दूंगा, जरूर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाने के बाद मुझसे अपनी गलती की माफी मांगेगी। सर अगर उन्होंने आपसे माफी मांगी तो क्या आप मुझे माफ कर देंगे? बेशक, क्योंकि गलतियां इंसान से होती हैं। वैसे इस बात को लेकर इस ऑफिस में आप कोई कानाफूसी नहीं होगी। Is that clear? Okay, yes, sir. आप लोग जा सकते हैं। नहीं सर, थोड़ी देर पहले तो यही थी। अगर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? सर वो दरवाजे से तो बाहर गई नहीं। कोई अंदर आया था? जी नहीं। अगर कोई बाहर से अंदर नहीं आया, वो अंदर से बाहर नहीं गई तो वो कहाँ गई? उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? बताओ मैं तुम्हारे साहब और उसके माँ बाप को क्या जवाब दूंगा? नर्स, वार्ड बॉय। रिदा कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं थी, मैं दवा देकर गई हूँ। लेकिन अब कहाँ है? मालूम नहीं सर। तुम्हारे मालूम नहीं कहने से क्या रिदा मिल जाएगी? यही जिम्मेवारी है तुम लोगों की? क्या तुम्हें मालूम है कि रिदा कहाँ है? जी नहीं सर। जाओ उसे ढूंढो, हर वार्ड में जाके ढूंढो उसे। वॉचमैन से भी पूछो। तुम ड्यूटी दे रहे थे कि सो रहे थे? सर मैं जाग रहा था, हर अंदर बाहर जाने वाले पे मेरी नजर थी। पता नहीं सर कैसे हो गया। देखो अगर रिदा नहीं मिली मुझे तो इसका जवाब देना ही पड़ेगा, लेकिन तुम अपना सोच लो कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। जाओ तुम भी जाके ढूंढो उसे। डॉक्टर साहब ये क्या शोरगुल है? किस पे आप नाराज हो रहे हैं? हमने सोचा हमारी रीता की तबीयत। रीता, रीता किधर गई? कहाँ है रीता? रीता किधर गई? यही तो मैं सबसे पूछ रहा हूँ। क्या बकवास कर रहे हैं? अरे हवलदार से पूछे ना, वही तो पहरा दे रहा था। उसका कहना कि उसे कुछ भी मालूम नहीं। हमें ऐसे कुछ नहीं सुनना है, हमें रीता चाहिए। रीता देखिए, जब मैं वार्ड में आया था तो रीता यहाँ नहीं थी। डॉक्टर
डॉक्टर साहब, अगर रीता को कुछ हो गया तो हम तमाम बर्बाद हो जाएंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पेशेंट जब तक हॉस्पिटल में, उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर की होती है, यही जिम्मेदारी निभा रहे हैं। देखिए एक मिनट रखिए, मैं अभी इंस्पेक्टर रिजवी को फोन करता हूँ। हेलो, डॉक्टर बत्रा बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। रिजवी साहब, रिदा अचानक गायब हो गई है। ये नामुमकिन है। मैं सही कह रहा हूँ। कब? अभी अभी एक घंटे के अंदर। डॉक्टर साहब, शायद हो सकता है वो हॉस्पिटल में ही हो और कुछ देर में वो हो सकता है वापस आ जाए। मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली लेकिन रिदा का कहीं भी पता नहीं चला। वार्ड के बाहर हवलदार ड्यूटी पर तो है। जी हाँ, लेकिन उसका कहना है कि उसे नहीं पता कि रिदा कहाँ गई। मेरे जोर देने पर वो बोला कि मेरी हर एक पे नजर थी, वार्ड में ना कोई आया ना कोई बाहर गया है। तो क्या वो अपने हाथ चली गई? वो अपने आप जा ही नहीं सकती क्योंकि उसकी हालत ऐसी है कि वो अपने बेड से उठ ही नहीं सकती थी। तो वो गायब कैसे हो गई? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मैं अभी पहुंच रहा हूं। प्लीज। आखिर रिदा गायब कैसे हो गई? जरूर कुछ गड़बड़ है। देखिए, ये आपके और हमारे दोनों के लिए ही बड़ी शर्म की बात है कि हॉस्पिटल का स्टाफ और पुलिस होते हुए भी रिदा गायब हो गई। डॉक्टर, कहीं ऐसा तो नहीं कि रिदा ने अपनी बीमारी से घबराकर खुदकुशी कर ली? ये नामुमकिन है। ये आप किस बिना पे कह सकते हैं? देखिए, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि रिदा अपने बेड से नहीं उठ सकती थी। मुझे लगता है कि रिदा का किसी ने किडनैप किया है। ओके, मान लिया जाए कि रिदा का किडनैप हुआ है। किडनैपर या तो फिर रिदा को वार्ड के दरवाजे से लेके जा सकता है या फिर खिड़की के रास्ते। देखिए, दरवाजे पर आपका हवलदार तैनात था और खिड़की की अंदर से चक्कनी लगी हुई थी। बाथरूम से कोई आ नहीं सकता, खिड़की से कोई आया नहीं और गेट पर तुम ड्यूटी दे रहे थे। रिदा जा कहां सकती है? इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? सर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे हो गया? इस वक्त मैं रिदा की उलझन में हूं, इसका जवाब आपसे तलब किया जाएगा। डॉक्टर, एक बात बार बार मेरे जहन में आ रही है। वो क्या? कहीं ये हरकत ता की तो नहीं? लेकिन ता को इससे क्या फायदा होगा? हो सकता है डॉक्टर, हो सकता है वो गुनाहगार हो। रिदा को गायब करके वो अपने खिलाफ सब सबूत और गवाह मिटाना चाहता हो। ऐसा हो सकता है, आप सही कह रहे हैं। इसके लिए मुझे ता को मिलना पड़ेगा। जो काम डॉक्टर मुमताज नहीं कर सकी, रिदा को गायब करके आपका वो काम किसी और ने कर दिया सर। रिदा गायब हो गई, ये खबर तो अच्छी है हमारे लिए, लेकिन ये काम किसने किया, क्यों किया, ये बात समझ में नहीं आ रही। सर, इस बात से आपको क्या लेना देना? जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। इस अच्छाई के पीछे कोई बुराई तो नहीं छिपी? इसका अंदाजा लगाना इस वक्त मुश्किल है, इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि रिदा गई तो कहां गई। सर, हो सकता है कि यह हरकत ताहा ने की हो। ताहा को क्या फायदा इससे? सर, रिदा उसके खिलाफ गवाही दे सकती थी, शायद इसीलिए उसने ऐसा किया। लेकिन ऐसा करके ताहा बच नहीं सकता, पुलिस उस पर जरूर शक करेगी, वो गिरफ्तार भी हो सकता है। ताहा के खिलाफ रिदा गवाही दे सकती थी, शायद इसीलिए उसने ऐसा किया हो। एक बार तो ताहा रिहा हो चुका है, अगर अब वो गिरफ्तार होता है तो उसको सजा जरूर मिलेगी। और सर, रिदा के साथ साथ ताहा भी आपके रास्ते से हट जाएगा। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो अल्बर्ट, हम जो चाहते थे वो काम अपने आप होता जा रहा है। अली यावर और मुश्तबा दोनों ही हमारे दुश्मन हैं,
अब उनके घरों में गम का मातम होगा और हमारे यहाँ खुशी का जश्न। मुझे रिदा की भागने की बहुत खुशी है। अब मुश्तबा और रिदा की माँ खून के आंसू रोएंगे। रिदा खुद भागी है या फिर उसे किडनैप किया गया है इस बात का अभी तक पता नहीं चला। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो हमारे लिए परेशानी की वजह बन सकता है। क्या? कहीं इल्जाम तहाब पर ना जाए और वो किसी नई मुसीबत में ना फंस जाए। देखो ना तो ताहा ने ऐसा किया होगा और ना ही वो किसी मुसीबत में फंसेगा। क्या आप कानून से वाकिफ नहीं है? पुलिस ताहा पर भी शक कर सकती है। अभी तक ताहा सिर्फ रिहा हुआ है, रिदा के केस से बरी नहीं हुआ है। तुम ठीक कह रहे हो अभी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पुलिस ताहा पर हाथ डालेगी। हम सिर्फ ख्याली पुलाव बना रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमें ताहा की तरफ से बेफिक्र नहीं रहना चाहिए। खुदा ना करे अगर ताहा इस परेशानी से गुजरता है तो उसे कैसे बचाया जा सकता है, ये हमें सोचना चाहिए। देखो अबीर, जब हम ताहा की जमानत करवा सकते हैं तो अब भी हम उस पर आँच नहीं आने देंगे। बाकी जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। ये बात कुछ समझ में नहीं आई कि रिदा ने खुदकुशी कर ली है या किसी ने उसका किडनैप किया है। उसने खुदकुशी की हो या उसका किडनैप हुआ, लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। कम से कम हमारे सर से तो मुसीबत टल गई। ये आप लोगों की गलतफहमी है। मुसीबत टली नहीं बल्कि और बढ़ गई है। ये आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। रिया के गायब होने को आप मामूली बात मत समझिए। फिजूल की बातें बंद करिए और ये बताइए कि यहाँ आना कैसे हुआ। कहाँ साहब का? ताहा घर पर नहीं। वैसे आपको ताहा से क्या काम है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। किस सिलसिले में? रिदा के बारे में उनसे कुछ बात करनी है। ताहा की जमानत हो चुकी है, अब रिदा के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जमानत होने का यह मतलब नहीं कि केस खत्म हो गया। रिदा के अचानक हॉस्पिटल से गायब होने से केस और ज्यादा पेचीदा हो गया। तो क्या ताहा ने रिदा को गायब किया है? मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन शक के दायरे में जो भी आएगा उससे तफ्तीश करना हमारा फर्ज है। पहले आप रिदा को तलाश कीजिए, मिल जाएगी तो मतलब अपने आप हल हो जाएगा। अब आप जा सकते हैं। शुक्रिया। हेलो। हेलो बेटे, मैं तुम्हारा बड़े अब्बू बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। बेटे, रिदा के अस्पताल से गायब होने की वजह से इंस्पेक्टर रिजवी घर आया था। क्या? तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहा था। उनका काम तफ्तीश करना है, करने दीजिए। इसमें डरने की क्या बात है? बेटे, बात को समझने की कोशिश करो। पुलिस वाले बाल की खाली नहीं बल्कि खाल में से भी बाल निकाल लेते हैं। वे तरह तरह के सवालात करके बेकसूर को भी अपने जाल में फंसा लेते हैं। बड़े अब्बू, आप बेफिक्र रहिए, मुझे कुछ नहीं होगा। देखो बेटे, बुरा वक्त कहकर नहीं आता है। मेरा कहा मानो, कहीं छुप जाओ, केस रफा दफा होने के बाद वापस आ जाना। लेकिन बड़े अब्बू, मैं बेकसूर हूं, फिर मैं क्यों छुपता फिरूं? अरे ये बात तो तुम और तुम्हारे घर वाले अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन पुलिस वाले तो बिना सोचे समझे किसी को भी कसूरवार ठहरा देते हैं। और फिर रिदा के घर वालों ने तुम्हारे ऊपर केस किया हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं। बेटे अपना ख्याल रख। जी बड़े अब्बू, खुदा हाफिज।
ताज साहब कहाँ हैं? पता नहीं। ऑफिस आए थे या नहीं? पता नहीं। मैनेजर कहाँ है? पता नहीं। जा देखे बात करो। अगर पता नहीं तो यहाँ क्या कर रहे हो? सफाई कर रहा हूँ। हेलो। हाँ ताज साहब, मैं इंस्पेक्टर रिजवी बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। हाँ मुझे आपसे मिलना। लेकिन क्यों? कुछ जरूरी बातें करनी है आपसे। देखिए मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त तो आपको निकालना पड़ेगा। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। इसका मतलब कि आप गुनाहगार हैं? हाँ कानून से भाग रहे हैं। देखिए ना तो मैंने कोई गुनाह किया है और ना ही मैं कानून से भागने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आके मुझसे मिलिए और कानून की मदद कीजिए। मैं इस वक्त बिजी हूं, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। हेलो 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 हेलो। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं बेकसूर, बस अल्लाह का करम चाहिए। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम ठीक कह रहे ताहा, लेकिन पुलिस किसी को नहीं बख्शती। अगर तुम गिरफ्तार हो गए तो जब तक रिदा नहीं मिलती तुम्हारी जमानत होना मुश्किल है। तो भाभी जान आप ही बताइए मैं क्या करूं। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है मैं तुम्हें क्या सलाह दूं। ताहा, अगर बुरा ना मानो तो एक राय दूं। हाँ कहिए ना, आप जो भी कहेंगे मेरी अच्छाई के लिए होगा। मेरे हिसाब से अगर कुछ दिनों के लिए तुम इस शहर से बाहर चले जाते हो तो बेहतर होगा। अगर मैं शहर छोड़ के बाहर चला जाऊं तो पुलिस मुझ पर ज्यादा शक करेगी, और अगर मैं अपने आप को उनके हवाले करता हूं तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या अमल करेगी। देखो ता, पुलिस का कोई भरोसा नहीं है। वो तुम पर जुल्म करके कुछ भी उल्टा सीधा लिखवा सकती, तुम्हें मुजरिम करार दे सकती। इसलिए मेरी बात मानो और कहीं चले जाओ। घर पर नहीं है, ऑफिस में भी नहीं है, घर पे भी नहीं है, तो कहां तलाश करूं उसे मैं? आप ताहा के पीछे क्यों पड़े हैं? मुझे उससे जरूरी बात करनी है। वो कानून से छिपते फिर रहे हैं। फोन पर उन्होंने मुझसे मिलने से साफ इनकार कर दिया। हो सकता है वो किसी काम में बिजी हो। देखिए बिजी होना अलग बात है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मैं आपसे मिलना नहीं चाहता। इसका मतलब वो गुनहगार है। कानून से भागना इतना आसान नहीं। देखिए जानबूझकर वो अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। बेहतर यही होगा कि वो पुलिस स्टेशन आकर मुझसे मिलें और बात करें, वरना उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। की हिफाजत करना। चलता हूं। अपना ख्याल रखना और जहां भी जाओगे फोन करते रहना। जी, और कोई परेशानी हो तो घबराना मत, हम तुम्हारे साथ। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। जी हो जाएगा। खुदा 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 हाफिज़। अब भागने से कोई फायदा नहीं था साहब। मेरे पास आपके अरेस्ट वारंट है। यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर साहब, मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं कि ताहा ने कुछ गलत किया है।
देखिए ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। हाँ लेकिन आप हमारी फैमिली को सालों से जानते हैं, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि हम ऐसे लोग हैं, हम ऐसा काम कर सकते हैं? मजबूरी, मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवाती है। हो सकता है कि आपके बेटे ने मजबूरी में आकर कुछ गलत किया हो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा दिल कहता है कि ताहा ने कुछ गलत नहीं किया। देखिए यहाँ जज्बात से काम नहीं चलता, सिर्फ सही और गलत का फैसला किया जाता है। ताहा बेकसूर है, उसे छोड़ दीजिए। जितनी बातें और वाकया हुए हैं वो यही बताते हैं कि ताहा गुनाहगार है। लेकिन आपके पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत भी तो नहीं है। आपके पास ऐसा कौन सा सबूत है उसकी बेगुनाही का? ताहा बच नहीं सकता। अगर उसने खुद को कानून के हवाले कर दिया होता तो बात संभल गई, लेकिन कानून से भागने की कोशिश के बाद तो उसने अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। कोई भी कानून से क्यों भागेगा, उसकी एक ही वजह है, वो डरता है क्योंकि वो गुनाहगार है। देखिए इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका फैसला तो सिर्फ अदालत में ही होगा। मगर आप कोशिश तो कर सकते हैं कि ताहा को कोई सजा ना हो। ये सब इतना आसान नहीं है। मैं ताहा से कुछ बात करना चाहती हूँ। जरूर आइए। ये सब क्या हो गया बेटे? इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि तुम रिहा नहीं हो सकते। अम्मी आप सब्र कीजिए, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मुझे कुछ नहीं होगा। बस हमारा वक्त ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तुम्हें क्या पता तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे कैसा कैसा लग रहा है। मेरा कलेजा दर्द से फटा जा रहा है। अल्लाह को भी सारी तकलीफ हमें देना था। अम्मी तकलीफ ना हो तो खुशी की अहमियत नहीं रहती। आप बस अपना और घर का ख्याल रखिए, बहुत जल्दी काले बादल छट जाएंगे। बस आप हवा के झोंके का इंतजार कीजिए। अम्मी अम्मी प्लीज अपने आप को संभालिए। देखिए अगर आप कमजोर हो गई तो मैं कैसे लड़ पाऊंगा? हाँ आप देख लीजिए, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता हूं, मेरा काम हो जाना चाहिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। तुम रो रही हो, क्या हुआ? निगार मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्यों रो रही हो? भाईजान जब आपको वजह पता है तो फिर ये सवाल क्यों? तो तुम ताहा के लिए रो रही हो? मैं हमेशा से कहती थी कि बिजनेस में इतनी भी दुश्मनी ठीक नहीं। जो काम हम कर नहीं सकते उसको करने से क्या फायदा, उसके लिए जान पर खेल जाना। हुआ क्या है? ताहा को पुलिस गलतफहमी में पकड़ कर ले गई है। जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो खुद ब खुद उसे छोड़ जाएंगे। अगर किसी वजह से साबित नहीं हो पाया कि ताहा बेकसूर है तो ताहा की तो जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम्हें क्या लग रहा है मैं हाथ पर हाथ रखे बैठा हूं? मेरे भाई को किसी ने बेवजह मार डाला, जबकि उनका ना तो हमारे बिजनेस से कोई लेना देना था ना ही किसी और काम से।
तब से इन सब बातों से मैं बहुत डरने लगी। डरने की क्या बात है, जिंदगी में यह सब तो लगा ही रहता है। जुआरी हमेशा जीता ही नहीं, जिंदगी में कभी कभी हारता भी है। लेकिन जब औलाद की बात आती है तब कुछ समझ में नहीं आता। ताहा तुम्हारा ही नहीं मेरा भी बेटा है, जितनी फिक्र तुम्हें है उतनी ही मुझे भी। भाईजान किसी तरह ताहा को रिहा करवा दीजिए, मेरा एक वही तो सहारा है। घबराइए मत, मैंने कुछ दवाइयां लिख दी हैं, आप इन्हें मंगवा लीजिए। आप रिदा के वार्ड में क्या करने आई थी? मैं रिदा की खैरियत मालूम करने यहाँ आई थी। आप तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है ना, फिर आप यहाँ कैसे? इंसानियत भी कोई चीज होती है, मैं तो सिर्फ इंसानियत के नाते रिदा को यहाँ देखने आई थी। क्यों, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? अच्छा मैं चलती हूँ। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। आप यहाँ? जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे कुछ पूछने आई हूँ। रिदा के बारे में? जी नहीं, डॉक्टर मुमताज के बारे में। लेकिन वो तो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है मतलब? मतलब डॉक्टर मुमताज छुट्टी पर है। अचानक छुट्टी क्यों? अचानक नहीं, वो हर साल इसी वक्त पे छुट्टी लेती है। बेवजह? नहीं, वो छुट्टी इसलिए लेती हैं ताकि अपने बच्चे से मिल सके। लेकिन बच्चे से तो हर रोज मिलती होगी, फिर? वो रोज कैसे मिलेंगे, उनका बच्चा उनके साथ नहीं रहता, वो पंचकनी में किसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। डॉक्टर मुमताज का शौहर तो है नहीं, इसीलिए वो हर साल 10-15 दिनों की छुट्टी लेकर अपने बच्चे से मिलने जाती है। ओह हाँ, लेकिन इस बार वो जल्दी चली गई। जब वो लीव एप्लीकेशन लेकर मेरे पास आई थी तो मैंने पूछा कि इतनी जल्दी? बोली इस बार मैं अपने बेटे के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त बिताना चाहती हूँ। तो वो कब तक आ जाएंगी? 20-25 दिन तो लगे जाएंगे, अगर कोई जरूरी काम हो तो मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। जी नहीं, जब वो आए आप प्लीज मुझे खबर कर दीजिएगा, मैं खुद ही मिल लूंगी। जी जरूर। थैंक यू, खुदा हाफिज़। खुदा। उसकी इस हरकत से मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रिदा के केस में कोई और बात है। और क्या बात हो सकती है, वो ताहा को फंसाना चाहती है इसलिए उसने ये सब किया। उसने जो किया सो किया, लेकिन इस हादसे के पीछे कुछ और लोगों का भी हाथ है। कुछ और लोगों का, ये तू कैसे कह सकती? मैंने कुछ ऐसा देखा है जिससे मेरा शक यकीन में बदल गया। क्या देखा तुम? उस दिन मैं रिदा की खैरियत पूछने हॉस्पिटल गई थी, वहाँ पे किसी डॉक्टर को नहीं देखा तो सीधा रिदा के रूम में चली गई। वहाँ देखा अबीर, अब आगे भी कुछ बताओगी? डॉक्टर मुमताज रिदा के नजदीक खड़ी थी, जैसे ही उसने मुझे देखा वो घबरा गई, कहने लगी कि वो रिदा का चेकअप करने आई थी
क्योंकि रिदा उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड है। इसमें कौन सी बड़ी बात? सिर्फ बड़ी ही नहीं, गहरी बात है। डॉक्टर मुमताज भला रिदा को देखने क्यों आएगी? वो क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। ये तो उसका पहला झूठ था। दूसरा झूठ ये था कि रिदा उसकी अच्छी फ्रेंड है, जबकि रिदा से उसकी दोस्ती है ही नहीं। उसने झूठ क्यों बोला? यही तो सोचने वाली बात है कि रिदा के बारे में उसने ऐसा क्यों कहा, और फिर मुझे देखकर घबराना। उसी वक्त मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैं घर चले आई, आके सोचा तो लगा उसका इन्वॉल्वमेंट है। ये बात मुझे बार बार परेशान कर रही थी। मैं हॉस्पिटल गई, डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि वो छुट्टी लेकर बाहर चली गई है। डॉक्टर ने ये भी कहा कि इस बार उन्होंने जल्दी छुट्टी ले ली। उसकी जल्दी छुट्टी लेने की बात सुनकर मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं श्योर हूं कि वो भी इस केस में इन्वॉल्व है। देखो, ये अली आवर के घर की बात है, इसमें हम क्यों इन्वॉल्व हैं? हमारे लिए जो हो रहा अच्छा हो रहा है, हमें तो खुश होना चाहिए। हमारी उनसे जो लड़ाई है वो अलग है। इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी दूसरा बेवजह आके उनको फंसाए और हम हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे। तो क्या करें? हमें तहार की मदद करनी चाहिए, वो बेकसूर है। तो पागल हो यू? ये हमारे लिए खुशी की बात है। अरे उस घर के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया, और बदले में तुम्हें क्या मिला? उन लोगों ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, या आई तो यहां भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश की गई। देखो, वो भले ही किसी और के लिए बेगुनाह हो, लेकिन हमारे लिए वो कसूरवार है। तुम्हें उस घर के किसी भी शख्स के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ताहा ने मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं दी और ना ही परेशान किया। मुझे नहीं लगता कि ताहा की मदद करके मैं कुछ गलत करूंगी। देखो अबीर, मैं इस मामले में और डिस्कशन नहीं चाहता। तुम उस फैमिली से जितना दूर रहो उतना बेहतर है। पीछे पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपने काम में दिमाग लगाओ। बाजी को बताना ही पड़ेगा कि जिसे हमने अपना समझा वो अब हमारी नहीं रही।